हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ सादा डोसा, मसाला डोसा और आलू मसाला, बहुत ही इजी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 5 उबले और छिले हुए आलू, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, तड़का लगाने के लिए जीरा, सरसों और एक सूखी लाल मिर्च, उड़द दाल और चना दाल, काजू ये ऑप्शनल है, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज, धनिया पत्ती, करी पत्ती और गाजर और बीटरूट घिसा हुआ, ऊपर से गार्निश करने के लिए ये भी ऑप्शनल है, तेल और डोसे का बैटर। सबसे पहले उबले हुए आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। आलू ना तो बड़े होने चाहिए और ना ही छोटे होने चाहिए। फिर गैस ऑन कर कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा उसमें हम लोग ऐड करते हैं चना दाल, उड़द दाल, जीरा और सरसों, करिया पत्ती, सूखी लाल मिर्च, फिर बारीक कटा प्याज, फिर उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे बारीक कटी हरी मिर्च, फिर उसके बाद बारीक कटी काजू, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम ऐड करते हैं हल्दी, हल्दी डाल के थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद इसमें अब ऐड करेंगे उबला कटा आलू। उबला कटा आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरा मसाला आलू के साथ मिक्स हो जाए, और यहाँ पे हमें गैस को धीमा ही रखना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसे में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करें। ऊपर नीचे जैसे मिक्स हो जाए उसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए हम लोग ढक के रख देते हैं। फिर 5 मिनट बाद उसमें बारीक कटा धनिया पत्ती डालकर एक बार और मिक्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। डोसे के लिए मसाला आलू रेडी है। अब हम बनाते हैं डोसा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग गैस ऑन कर देते हैं और तवा गरम करने रख देते हैं, और उसके बाद डोसे के बैटर में नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको मिक्स करते हैं। अगर आपका डोसे का बैटर फ्रिज में रखा हुआ हो तो उसको बनाने के थोड़ी देर पहले, मीन्स आधे घंटे के पहले निकाल के बाहर रख दीजिएगा। डोसे का बैटर इस तरीके से होना चाहिए, ना ही पतला ना ही गाढ़ा। अब हम तवे के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करके टिश्यू पेपर से क्लीन कर देते हैं। यहाँ हमारा फ्लेम स्लो होना चाहिए। डोसे का बैटर डालते समय गैस धीमा रहना चाहिए और ना ही तवा ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। अब हम लोग बैटर डाल के उसको गोल अच्छे से घुमाते हैं डोसे जैसे। उसके बाद फ्लेम हमारा नॉर्मल हो जाएगा और उसके ऊपर आप तेल या घी कुछ भी ऐड कर सकते हो। तेल या घी ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। अब देखिए उसके ऊपर स्टीम आया, जैसे स्टीम आ जाए ढक्कन हटा देना। आप चेक करना, आपका डोसा बनके रेडी है। ये है आपका नॉर्मल डोसा। अब हम इसे निकालते हैं प्लेट में। अब हम बनाएंगे मसाला डोसा। मसाला डोसा बनाने के लिए हम लोग तवे के ऊपर फिर से पानी डाल के टिश्यू पेपर से क्लीन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे डोसे का बैटर। डोसे का बैटर डाल के हम लोग इसको अच्छे से घुमाते हैं राउंड शेप में। उसके बाद यहाँ पर हमारा फ्लेम हो जाएगा नॉर्मल। अब हम लोग इसके ऊपर ऐड करते हैं घी या ऑयल। घी या ऑयल ऐड करने के बाद अब हम लोग जो आलू मसाला बनाए थे वो हम लोग रखेंगे डोसे के ऊपर। आलू मसाला हम लोग को डोसे के एक साइड ही रखना है, पूरे सेंटर में या पूरे डोसे के ऊपर नहीं फैलाना है। आलू मसाला अच्छे से रखने के बाद अब हम लोग इसको गार्निश करेंगे घिसे हुए गाजर के साथ, घिसे हुए बीटरूट के साथ। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी सब्जी रख सकते हैं। मैंने बीटरूट और गाजर लिया है। आप चाहें तो इसको डाल भी सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। आप बीटरूट और गाजर की जगह कोई और सब्जी भी डाल सकते हैं। अब हमारा मसाला डोसा बनकर रेडी है। अब हम इसे निकालते हैं प्लेट में और इसको सर्व करते हैं सांभर और चटनी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।